ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए राज्य खाद्य सुरक्षा पुरस्कार के तीसरे संस्करण पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का संबोधन। आज मुझे पहली बार FSSAI आना हुआ तो कई बुक रिलीज हो गई। 19 फूड टेस्टिंग वन को फ्लैग ऑफ किया गया। फूड सेफ्टी के लिए कॉम्पिटिशन में जो सक्सेस रहे इस स्टेट को सम्मानित भी किया गया। और जो कुछ हो रहा है आज के दिन में एक टोटल अप्रोच का परिणाम है। एक समय था जब व्हाट इज हेल्थ एंड हेल्थ केयर एक ऐसी ही हमारे मन में छवि थी कि हॉस्पिटल में जाना, ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट इज ओनली हेल्थ। जी नहीं, एक त्रुटक सोच है। टोटल सोच क्या होती है? हेल्थ केवल ट्रीटमेंट नहीं है। हेल्थ केयर का जब आप कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करें, अभ्यास करें तो पता चलता है आप क्या खा रहे हैं, कौन सा फूड ले रहे हैं, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। आप बैलेंस फूड ले रहे हैं, कैसे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। आप माल न्यूट्रिशन के भोग तो नहीं है ना, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। प्रिवेंटिव केयर, ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। आप योगा कर रहे हैं प्रिवेंटिव केयर के लिए, एक हेल्थ का पार्ट है। ये सब मिला के जब बच्चा आपके माँ के पेट में होता है तब माँ, उसकी माँ को न्यूट्रिएंट फूड मिल रहा है, तब से एक हेल्दी माता हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे हेल्दी रहे इसलिए उसके न्यूट्रिएंट बेज ख्याल रखना, संभाल रखना ये आवश्यक होता है, तब जाके एक हेल्थ बनती है। और इसलिए मोदी जी ने टोटल सोचा है, छूटक नहीं। और टोटल सोच का एक पार्ट है, जब आज यहाँ से मुझे बताया गया कि 90 फूड टेस्टिंग वन 90 डिस्ट्रिक्ट में दी गई है और 19 आज दी गई, मतलब 109 डिस्ट्रिक्ट में फूड टेस्टिंग वन होगी। और केवल फूड टेस्टिंग वन से पूरा नहीं होगा, उसके लिए ट्रेन मैन पावर चाहिए, उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए वो यहाँ से तो वहां पहुंच गई लेकिन वहां उसका उपयोग होता है कि नहीं होता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सुनिश्चित करे, ये आवश्यक होता है। इसलिए 3 लोगों का इकट्ठा होना बहुत आवश्यक है। एक गवर्नमेंट की सोच, माय सेल्फ इज गवर्नमेंट। सेकंड, ऑफिसर्स, उसका उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तीसरा, इंडस्ट्रीज। यहां मेरे सामने इंडस्ट्रीज बैठी है, जब वोट ले रही थी मुझे खुशी हुई, वो तय करते हैं कि हम फूड सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, हमारी कंपनी में, हमारा प्रोडक्शन में प्लास्टिक रेसिड्यूस ना आए उसका भी ख्याल रखेंगे। ये बहुत आवश्यक होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें एफर्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, एफर्ट सामूहिक नहीं होगा, तब आउटपुट निकालना मुश्किल होता है। सरकार की सोच के अनुसार उसका इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट। और तीसरा, इंडस्ट्रीज और पब्लिक। इंडस्ट्री स्वयं, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, छोटी मोटी हो, बड़ी हो, कोई भी फूड प्रोड्यूसर हो, वो क्या ऐसा ना सोचे कि मैं मिलावट वाला फूड बेचूंगा तो मेरे देश के नागरिक उसको खाएंगे, उसकी हेल्थ बिगड़ेगी, मेरे देश को लॉस होगा, उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ेगा, उससे खर्च होगा, उसका नुकसान मेरे देश को होगा। सब चीज को हम अपने दायित्व, अपने कर्तव्य और अपने नेशन के प्रति हमारा कमिटमेंट के साथ जोड़ सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि एक बार देश के नागरिक के ये मन बन गया तो मुझे नहीं लगता है कि फूड सेफ्टी में 100% गोल को अचीव करने में हमें कोई दिक्कत होगी। जो व्यक्ति शायद किसी ने गलत दे दिया या तो गलती से कुछ फूड दे दिया, बेच दिया, तो नागरिक की भी इतनी ही जिम्मेवारी है। ठीक है, बिगड़ा हुआ है, मैं फेंक देता हूं, जी नहीं, ये तो आपने फेंक दिया, कई लोगों ने तो खा लिया, तो उसकी हेल्थ पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, ऐसा नहीं करना है। इसलिए जनता भी एग्रेसिव रोल अदा करे और उसके लिए व्यापक पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। देश के नागरिक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को समझे, सब स्टैंडर्ड को भी समझे, ये आवश्यक होता है। हमारे देश में बहुत डायवर्सिटी है, बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं,
हम हमारी जिम्मेवारी को समझें। जो कोई जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके पास ये नॉलेज नहीं है, हम नहीं बांट सकते उसको, हम उसको नहीं समझा सकते। ये भाव जब हमारे देश के नागरिक में बन जाएगा तब देश आगे बढ़ने में सुविधा होगी। मोदी जी कई बार कहते हैं कि एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ते हैं तो एक ही कदम आगे बढ़ा जाता है, लेकिन 130 करोड़ की जनता जब 130 कदम एक साथ में आगे बढ़ाएंगे तो देश 130 करोड़ डग आगे बढ़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सब एफर्ट में हम सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें, केवल फंसा ही करें ऐसा नहीं। यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कई लोग भी जुड़े हुए हैं। हम सब लोग तय करें कि हमें सब स्टैंडर्ड फूड तो देश की जनता को नहीं खिलाना है, और ये स्वयं में आएंगे, पोजीशन से आउटपुट लाना मुश्किल होता है। किसी को सजा कर दो ठीक है, व्यवस्था के तौर पर हो सकता है, लेकिन जब मन से आता है ना, जब एक अंडा होता है उसको तोड़ देते हैं तो उसमें जीव का मृत्यु हो जाता है। जब टूट के बाहर आता है तब एक जिंदा जीव अंदर से बाहर निकलता है। अंदर से जब कुछ निकलेगा तो नया सृजन होगा। मैं किसी के सामने एक्शन ले सकता हूं, कोई ने सब स्टैंडर्ड फूड बेचा तो हमने एक्शन ले लिया, लेना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि वो टोटल सॉल्यूशन नहीं है। टोटल सॉल्यूशन ये अपने में है, और ये दिशा में मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ हुआ है लेकिन ज्यादा करना बाकी है। अगले दिनों में हम सब लोग साथ में मिलके देश के नागरिक स्वस्थ बने। देश के नागरिक को स्वस्थ बनाने के लिए उसको बैलेंस न्यूट्रिएंट मिले, उसको अच्छा फूड मिले, तब जाके समाज का निर्माण करेगा और स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा। देश को एक स्वस्थ और डेवलप्ड कंट्री की दिशा में हमें आगे ले जाना है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि इसके लिए हमारे देश की नागरिक की सोच इस दिशा में होनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग अपने स्वयं को एफर्ट लेके एक फूड सेफ्टी के लिए बेस्ट प्रयास करें, और मोदी जी का सपना नया भारत का निर्माण का है। हम एक ऐसा नया भारत बनाए जिसमें हिंदुस्तान के कोटि कोटि नागरिक, हर कोई नागरिक स्वस्थ हो, हर कोई नागरिक कमिटमेंट और डेडिकेशन से नेशन के लिए काम करता हो, ये भाव ही हमारे देश को आगे ले जाएगा। आप सब लोगों को मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राज्य खाद्य सुरक्षा पुरस्कार के तीसरे संस्करण पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का संबोधन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।